सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है सीमा और आप लोगों का स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में जोहार वैली मुनस्यारी के इस खूबसूरत से क्षेत्र से। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों, एक नए दिन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ आज फिर से नई ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है रीति लोगों के घर से। और दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 11:30। अभी मैं आई हूँ दोस्तों रीति के घर में गेहूँ धोने के लिए। हमारे वहाँ पर ना हमारे नल पर धूप चले गई तो ठंडा लग रहा था मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना रीति लोगों के घर पर आके मैं गेहूं धो लूं। तो इनके नल पे ना बहुत अच्छी धूप आती है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे गेहूं धोने के लिए आई हूँ। बाकी दोस्तों, आज की मौसम की बात किया जाए तो आज का मौसम काफी अच्छा हो रहा है। खिली खिली धूप आई है और खिली खिली धूप के साथ ठंडी ठंडी हवा भी चली रही है बीच बीच में। और ये देख सकते हैं दोस्तों, आज का नज़ारा कुछ ऐसा है। पंचाचूली और हंसलिंग तो यहाँ से नहीं दिख रहा है, निचले लोगों का घर दिख रहा है यहाँ से। तो निचले लोगों के घर की वजह से हंसलिंग यहाँ से छुप चुका है। बाकी यहाँ पे दोस्तों बच्चे लोग खेल रहे हैं, स्कूल की छुट्टियाँ चल रही है बच्चों की, तो बच्चे लोग मज़े से खेल रहे हैं। हेलो गाइज, बोलो तो सही, कुछ तो बोलो। ये देखो सर मारे, और ये रहा रीति दोनों का नल, और नल पे आप देख सकते हो धूप। और मैंने थोड़े बहुत गेहूँ धो लिए, मतलब अभी तो एक ही राउंड है, वो भी अच्छे से नहीं धुले हैं। यहाँ पे मैंने बाल्टी में गेहूँ डाल दिए हैं धोने के लिए, और कुछ इतना सा यहाँ पे गिर गया जो गंदा वाला गेहूँ है। और दोस्तों, अभी मैं आपको बुआ से मिलाती हूँ। बुआ अपने कामों में लगी है और क्या काम कर रही है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो दगड़ियों, ये रही बुआ। हेलो बुआ, कैसे हो? की बनाना? हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा तो दोस्तों, आपको बुआ ने बता दिया, जो बड़े वाले नींबू होते हैं उसको हमारी भाषा में नींबू बोला जाता है। टेस्टी लग रहा है ये मसाला लगने के बाद। और बुआ अपने काम में लगी है और कुछ दिन के बाद बुआ जाने वाली है अपनी बेटी के घर। कैसा लग रहा है आपको? हाँ, बढ़िया लग रहा है। अच्छा, उनले हेल, उनले हेल। अच्छा, चेली की नली जाए दिना? चेली की बिरु साहब बेच दी रही। अच्छा, आने कने छे मम्मी उधर के आसार है, आम आसार बेच दी उधर। अच्छा, अभी नुमा आसार छे, यू आम आसार छे ली जुन लो कने कने बुआ नले हेल सोचने बे पल्ले बुआ ने बे बा चेली ये दी जुन बे बहुत सही बात बुआ ना अपन दिल हाँ चिलने दोहरा दिल थे बुआ ने दिनी में पैन करी बहुत बात है चल बोली बड़े दूर बार बहुत हो बोला जनी चक्कर ही रहे हो। अरे बोला जनाए? अच्छा, भुरभांग का चाबती मिल? हाँ, चेल चरण ना जाने वे वही रे निशास लागनी वे। अब अचार बढ़िया दिखी ना, कलर है बढ़िया आ रहा है, खांदे लग गई चैसा था, बढ़िया अचार बनाया थे, खांदे लग गए। ये देखो दोस्तों, आम का अचार भी बहुत ही टेस्टी लग रहा है। यहाँ पे है चूक का अचार, बुआ ने इस बार टेस्टी टेस्टी अचार बनाए हैं। और दोस्तों, बुआ के घर से गांव का नज़ारा कुछ ऐसा है, ऐसा दिखता है बुआ के घर से हमारा गांव। और बच्चे लोग, सब लोग खेल रहे हैं क्योंकि बच्चों की छुट्टी हो रही है जारो की। यहाँ पे एक मंथ की छुट्टी होती है जारो के टाइम पे, 24 या 25 तारीख से जारो की छुट्टी लग जाती है दोस्तों, और 1 फरवरी को खुलता है। तो इसीलिए देख सकते हो बच्चे लोग यहाँ पे खेल रहे हैं, और माही भी बच्ची बनी है इनके साथ। बाकी रोड में भी बच्चे जा रहे हैं खेल के, और हमारा यस्सू भी उस वाले छत में गया है दक्षित के साथ खेलने के लिए। ये देख सकते हैं, पता नहीं क्या कर रहा है ये यस्सू, क्या कर रहा है, क्या पकड़ रहा है, दिखाना मुझे भी। अरे किसका डॉगी है ये? दक्षित का डॉगी है दक्षित, तो वो यहाँ पे डॉगी से खेल रहा है। तो चलिए दोस्तों, बुआ तो अपने कामों पे लगी है और मैं भी फटाफट से अब गेहूँ धो लेती हूँ क्योंकि बाद में धूप भी चली जाएगी, फिर ठंडा भी लगता है। झाड़ू के टाइम पे ना दोस्तों, काम जल्दी निपटाने के बाद धूप में बैठने में मज़ा आता है। झाड़ू में जल्दी से अपना काम निपटाओ, फिर बाद में दिन के टाइम पे खाना वगैरह खा के धूप में बैठो तो काफ़ी आनंद आता है। यहाँ पे मैंने गेहूँ रखा हुआ है और गेहूँ धो के मैं यहाँ पे रखूँगी। यहाँ पे मैंने साड़ी बिछा रखी है, साड़ी में ना इसका पानी अच्छे से सोख लेगा ये साड़ी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे साड़ी बिछा रखा है टब के ऊपर पे।
गाइस मेरे से ना बहुत ही ज़्यादा गेहूं गिर रहा था, तो बुआ ने कहा कि मैं भी हेल्प कर देती हूँ धोने में, तो यहाँ पे बुआ मेरी हेल्प कर देती है गेहूं धोने में, तो थैंक यू बुआ आप मेरी हेल्प कर रहे हो। और ये इतना कचरा निकल रहा है गेहूं से, बहुत ही ज़्यादा कचरा निकल रहा है, ये देख सकते हैं और दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बुआ धो रही है। मैं तो थोड़ा थोड़ा करके धो रही थी, बुआ ने सभी साथ डाल के इस टब में सभी साथ धो रही है, तो मैं हाँ बुआ बता रही कि अगर गेहूं को ज़्यादा भिगाएंगे तो सूखने में भी बहुत टाइम लेता है, तो ऐसा करके ना जल्दी कम भीगता है और जल्दी सूख जाता है ऐसा बता रही है बुआ, तो इसीलिए बुआ यहाँ पे मेरे को देख के बुआ को कलकल लग गया, तो वो कहती थी मैं धो देती हूँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है मुझे भी बता दो मैं भी सीख जाऊँगी, क्योंकि मैं एक या दूसरी बार ये धो रही हूँ, ज़्यादा मैं धोती नहीं हूँ। ठीक है अब बुआ महेश कह दिला मैं यही कर दूँ। और गाइस हम लोग गेहूं धो ही रहे थे कि इसी बीच दीदी हमारे लिए चाय लेके आ चुकी है, यह है रितु दी, और रितु दी मेरे लिए चाय लेके आई है यहाँ पे गर्मा गर्म, और दोस्तों चाय के साथ यहाँ पे चुन्नी भी दीदी ने बनाया होगा, तो चुन्नी भी मेरे लिए लेके आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों गेहूं वगैरह भी धुल चुका है और मैंने चाय भी पी लिया है, अब जाते हैं घर को। यहाँ पे बुआ भी अब दूसरे काम पे लग चुकी है, थैंक यू बुआ आपने इतनी हेल्प की मेरी, और थैंक यू रितु दी चाय पिलाने के लिए। हाँ भाई मैं चलिए हेल्प ला करने भाई, बच्चों बाय बाय। और दगड़ियों अभी मैं आपको सीधे शाम के 3:30 बजे मिल रही हूँ, और अभी धूप भी जा चुकी है, तो हम लोग आ चुके हैं पहाड़ी रसोई में आग सेकने के लिए। दोस्तों जाड़ों में ना जैसे धूप जाती है तो उसके बाद तुरंत ही आग जला लेते हैं हम लोग और आग सेकने के लिए बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे को जो हमने सत्तू पकाया था वो सूख चुका है, तो उसको भूनने की तैयारी चल रही है, और यहाँ पे मम्मी बना रही है दोस्तों पुंदरी, जिसके सहारे इसको भुना जाता है, एक लकड़ी में कपड़ा बांधा जाता है, तो मम्मी वही कर रही है। और दोस्तों आप देख सकते हो कितना अच्छा आग हो रहा है, और हम लोगों ने आग में ऐसे करके पाँव लगाया है, और यहाँ पे दोस्तों माही भी आग सेक रही है। हेलो माही। हेलो। तो मम्मी का पुंदरी बनने वाला है, टां युद्ध के लिए मम्मी, युद्ध के लिए मम्मी तैयार कर रही है अपना की कहना ना पुंदरी। तो झगड़ियो यहाँ पे हमारी पुंदरी भी बन चुकी है, और यहाँ पे मम्मी ने गेहूँ भुनना भी स्टार्ट कर दिया है, तो कुछ इस तरीके से गेहूँ को भुना जाता है। दोस्तों मैंने आपको कई बार गेहूँ भुनना दिखाया हुआ है, और जो ये बर्तन है इसको हमारी भाषा में ताहल बोलते हैं, ये भी मैंने आपको बताया है। और दगड़ियो जो ये आपको कट्टा दिख रहा है इसमें है गेहूं जिसको हमें भूनना है, तो कुछ इतना सारा हमें गेहूं भूनना है। तो अभी तो मम्मी का पहला राउंड है, मम्मी ने यहाँ पे भूनना भी स्टार्ट किया है जस्ट। तो चलिए दोस्तों रात के खाने की तैयारी भी हो चुकी है घर पे, दोस्तों आज मैं ही बना रही हूँ साग, और अभी टाइम होने वाला है दोस्तों 7:30। अभी मैं आई हूँ अपने घर के किचन में मसाला वगैरह रेडी करने के लिए, क्योंकि दोस्तों जाड़ों के टाइम पे ना मुंडिशारी वाले बहुत ज्यादा मीट मांस खाते हैं, वैसे हमारे घर में तो रोज ही बनता ही रहता है मीट मांस, हम लोगों को ना मीट मांस बहुत ज्यादा पसंद है, तो हमारे घर में बनता ही रहता है, अधिकतर मीट मांस ही बनते हैं। तो अभी भी बन रहा है दोस्तों मच्छी, और मेरे हाथ की मच्छी पसंद है सब लोगों को घर पे, तो इसलिए मैं ही बनाती हूँ, जब भी मच्छी आता है घर पे तो मैं ही बनाती हूँ। तो अभी भी मैं मच्छी धोने के लिए आई हूँ, और कैसा बनाती हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक छू। तो दोस्तों ये रहा मच्छी, और ये है हल्दी, और ये है नमक। तो दोस्तों मैं क्या करती हूँ ना, सबसे पहले तो मैं मच्छी में हल्दी और नमक लगाती हूँ, और उसको 10-15 मिनट रखती हूँ, उसके बाद ही उसको तलने का काम करती हूँ। तो अभी मैं इसमें एक बार फटाफट से हल्दी और नमक लगा लेती हूँ, हल्दी भी लग चुका है, अभी इसको हम लोग 5 या 10 मिनट के लिए रख देंगे, उसके बाद इसको तलेंगे। जब तक मेरे मच्छी को 10 मिनट होते हैं तब तक मैंने यहाँ पे लहसुन भी छील लिया है, वो भी अधमर तदमर, यानी कि आधा अधूरा ही छीला हुआ है, बाकी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा
तैमूर भी ले लिया दोस्तों। मच्छी के साथ में ना तैमूर ना बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं डालती हूँ। और कभी आप लोग भी ट्राई करिएगा, तैमूर डाल के बहुत ही अच्छा होता है। जाड़ों के टाइम पे तो दोस्तों तैमूर डालना ही चाहिए, क्योंकि ये गर्म भी होता है और मच्छी खा के ना कभी पेट वगैरह भी ख़राब हो जाता है, लेकिन तैमूर डालने से ना ऐसा कुछ भी नहीं होता है, पेट वेट सही रहता है, तो इसलिए भी डालती हूँ। और तैमूर मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैंने मसाले भी तैयार कर दिए हैं। मसालों में मैंने दोस्तों हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे फिश मसाला भी ऐड कर दिया है। बाकी दोस्तों इसमें लहसुन और जो तैमूर है उसका पेस्ट भी गया है, तो इसको मैंने रेडी कर लिया है। दोस्तों हम लोग ना मसाले भिगा देते हैं तो थोड़ा ना सिलपट्टे वाली फीलिंग आ जाती है। यहाँ पे रात के खाने की तैयारी भी हो चुकी है। यहाँ पे मैंने मच्छी तलने के लिए भी रख दिया है। चलिए दोस्तों हम लोगों का खाना वगैरह भी बन चुका है और अभी टाइम हो रहा है 9, तो हम लोग दोस्तों खाना खा लेते हैं और आपको मिलते हैं दोस्तों खाना वगैरह खाने के बाद। ठीक जू, रात का खाना भी हो चुका है और अभी टाइम हो रहा है 10, तो दोस्तों खाना वगैरह खाया और थोड़ी देर हम लोगों ने आग सेका और अभी मैं आ चुकी हूँ अपने रूम पे। यहाँ पे मेरा बिस्तरा भी लग चुका है। तो चलिए दोस्तों अब आज के इस ब्लॉग को भी इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आए। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं सीमा आपको मिलती हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय दोस्तों, गुड नाइट एंड शुभ रात्रि।